तो भाई यहाँ एक सवाल तो बड़ा बेसिक सा है कि मोटो जी 64 और मोटो जी 85 में क्या केवल डिस्प्ले का डिफरेंस देखने को मिलेगा या और भी बहुत सारे डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। जैसे कि इनबॉक्स आइटम्स की बात करें तो दोनों में ही आपको 33 वॉट का फास्ट चार्जर साथ देखने को मिलता है। दोनों ही डिवाइसेज में सिलिकॉन कवर भी साथ देखने को मिलेगा, मतलब इनबॉक्स आइटम्स में कोई भी डिफरेंस नहीं है। ऐसे ही बात करें अगर डिज़ाइन की, तो डिज़ाइन के मामले में हमेशा बोलता हूँ कि ये आपके ओपिनियन पर डिपेंड करता है, आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा डिज़ाइन ज़्यादा पसंद आता है। जैसे कि अगर G85 और G64 की बात करें तो पर्सनली मुझे G85 का डिज़ाइन ज़्यादा अच्छा लगा, ज़्यादा प्रीमियम नज़र आया। काफ़ी अमेजिंग और प्रीमियम डिज़ाइन यहाँ देखने को मिलता है, बिल्कुल एक अलग हट के यूनिक सा डिज़ाइन आपको यहाँ देखने को मिलेगा। बैक पर आपको मिलता है सिलिकॉन पॉलीमर, जिसे फील करने पर ऐसा लगता है जैसे कि किसी कपड़े की कोटिंग की गई हो, बिल्कुल ही डिफरेंट टाइप का डिज़ाइन आपको यहाँ देखने को मिलेगा। वहीं मोटो जी 64 की बात करें तो बैक पर आपको मिलता है रफ फिनिस, देखने में ये भी काफ़ी प्रीमियम है, बैक से राउंडेड शेप आपको देखने को मिलता है, लेकिन थोड़ा सा अगर यूनिकनेस की बात करें तो उस कंडीशन में G85 से पीछे रह जाता है। कैमरा शेप की बात करें तो दोनों में ही छोटे छोटे कैमरा लेंस दिए हैं, लेकिन मोटो जी 64 में एक थोड़ा सा कैमरा बम्प दिया है, कैमरा बम्प हल्का सा G85 में ही है, बट वो बॉडी में ही मिला हुआ है जिससे वो कैमरा बम महसूस नहीं होता। राइट साइड पर दोनों में ही पावर बटन और वॉल्यूम कंट्रोल्स बटन देखने को मिलते हैं। G64 में पावर बटन के ऊपर ही फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया है, यानी कि साइड फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ आता है मोटो G64। वहीं मोटो G85 में आपको मिलता है अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर। बॉटम पार्ट पर दोनों में ही आपको मिलता है टाइप सी पोर्ट मीडिया स्पीकर। G85 में आपको सिमोर SD कार्ड स्लॉट भी बॉटम पार्ट पर ही मिलते हैं, जबकि G64 में आपको मिलता है 3.5mm का हेडफोन जैक बॉटम पर, और G85 में आपको 3.5mm का हेडफोन जैक देखने को नहीं मिलता। सिमोर SD कार्ड स्लॉट G64 में मिलते हैं लेफ्ट साइड पर। दोनों ही डिवाइसेज आते हैं हाइब्रिड सिम स्लॉट के साथ, और टॉप पर दोनों में ही आपको मिलता है सेकेंडरी माइक, और फ्रंट से कुछ ये लुक आपको देखने को मिलेगा क्योंकि G85 आता है बेजल लेस डिस्प्ले के साथ, तो फ्रंट से भी ये काफ़ी फ्यूचरिस्टिक और अमेजिंग नज़र आता है, काफ़ी प्रीमियम नज़र आता है, तो डिज़ाइन के मामले में G85 ज़्यादा बेहतर है। अब डिस्प्ले के मामले में भी G85 बेहतर है क्योंकि यहाँ पर आपको मिलता है POLED डिस्प्ले, जबकि G64 में आपको मिलेगा IPS डिस्प्ले। हालांकि रिफ्रेश रेट और रिजोल्यूशन दोनों ही डिवाइसेस की डिस्प्ले का एकदम सेम है, फुल HD प्लस डिस्प्ले 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट, लेकिन अगर कलर टोन की बात करें, क्योंकि वो आपको OLED डिस्प्ले मिलता है G85 में, तो काफ़ी रिच कलर आपको यहाँ देखने को मिलते हैं, कलर प्रोडक्शन काफ़ी हाई है G85 की डिस्प्ले का, और वीडियो में क्लियर आप देख सकते हो G64 का डिस्प्ले एकदम वॉश आउट नज़र आता है G85 की डिस्प्ले के सामने। कलर टोन के अलावा अगर बात करें ब्राइटनेस की, तो वहाँ भी G85 का डिस्प्ले बेहतर है, ज़्यादा ब्राइटर डिस्प्ले आपको मिलता है G85 में एज़ कम्पेयर टू G64। इसके बाद बात करें अगर एंड टू एंड व्यूइंग एक्सपीरियंस की, तो कर्व डिस्प्ले आपको मिलेगा G85 में, तो वहाँ पर एंड टू एंड व्यूइंग एक्सपीरियंस आपका ज़्यादा बेहतर रहेगा G64 के कंपेरिजन में। ओवरऑल डिस्प्ले के मामले में भी G85 पूरी तरह से G64 को बीट करता है। UI फीचर्स की बात करें तो G85 का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो थोड़ा सा कस्टमाइज सा दिखता है, हालांकि दोनों ही डिवाइसेज एंड्रॉइड 14 पर रन करते हैं, लेकिन लुक एंड फील आप देखोगे तो थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। ये मेन UI है, क्विक एक्सेस पैनल में भी थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलता है लुक एंड फील में। इसके अलावा अगर सेटिंग्स का मेन्यू देखें तो वहाँ पर लेटर्स वगैरह कुछ ज़्यादा ही बोल्ड दिए हैं G85 में, जबकि G64 में रेगुलर स्टॉक एंड्रॉइड जैसा ही लुक एंड फील या फिर कहीं अपीयरेंस शो होता है। इसके बाद अगर फीचर्स की बात करें तो G85 में आपको एज लाइटिंग का फीचर देखने को मिलेगा जो कि G64 में नहीं है, और कुछ जेस्चर कंट्रोल्स की बात करें तो वो आपको दोनों में ही देखने को मिलते हैं, काफ़ी ट्रेंडी जेस्चर कंट्रोल्स हैं ये। सिक्योरिटी के लिए दोनों में ही आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलेगा। G64 में आपको मिलता है साइड फिंगरप्रिंट स्कैनर, G85 आता है अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ। इसके अलावा फेस अनलॉकिंग सिस्टम भी आपको दोनों में देखने को मिल जाता है। सिस्टम के अंदर दोनों में ही आपको मल्टीपल यूजर्स का फीचर देखने को मिलेगा। इसके अलावा डॉल्बी एटमोस का सपोर्ट भी आपको दोनों में देखने को मिलता है। दोनों ही डिवाइसेस स्टीरियो साउंड के साथ आते हैं। तो दोस्तों मोटो G64 और मोटो G85 दोनों के कैमरा स्पेसिफिकेशंस तो आपको स्क्रीन पर दिखी गए होंगे,
अगर कैमरा फीचर्स की बात करें तो अल्ट्रा वाइड फोटोज आप दोनों से कैप्चर कर सकते हो, साथ ही साथ नाइट मोड भी आपको दोनों में दिया है लो लाइट फोटोग्राफी के लिए। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करें तो डुअल व्यू वीडियो भी आपको दोनों में देखने को मिल जाता है, स्लो मोशन का फीचर भी आपको दोनों में देखने को मिलेगा। और अगर वीडियो रिकॉर्डिंग की रिजोल्यूशन की बात करें तो फुल एचडी तक का वीडियो आप दोनों से रिकॉर्ड कर सकते हो, लेकिन G64 में आपको 60 FPS का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा, क्योंकि मुझे G85 में कहीं नज़र नहीं आया। अब आते हैं परफॉर्मेंस की ओर, तो आप खुद जज करिए कि आपको इनमें से कौन सा फ़ोटो पसंद आता है। पर्सनली मुझे इनमें से मोटो G85 का फ़ोटो ज़्यादा पसंद आया, थोड़ा सा शेडो फ्री फ़ोटो नज़र आता है। इस फोटो की बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा पंची कलर शो होता है G64 में, तो G64 ज़्यादा बेहतर है। अगेन यहाँ भी मैं G64 की तरफ जाऊँगा, थोड़े से पंची कलर नज़र आते हैं। यहाँ पर G85 में थोड़ा सा ओवर एक्सपोज हो गया है फोटो, जबकि G64 काफ़ी कमाल का है। यहाँ पर G64 में फोटो थोड़ा सा येलोइश हो जाता है, जबकि G85 कमाल का परफॉर्म करता है। ओवरऑल अगर दोनों डिवाइसेस के फोटोज़ की बात करें तो कुछ मिली जुली परफॉर्मेंस दोनों ही डिवाइसेस से देखने को मिली है। कुछ कंडीशन में मोटो G85 बेहतर परफॉर्म करता है, कुछ कंडीशन में मोटो G64। आप वैसे खुद जज करिए कि आपको इनमें से किस डिवाइस का कैमरा ज़्यादा बेहतर लगा। रियर कैमरे के पोर्ट्रेट मोड की बात करें तो भाई दोनों ही डिवाइसेस का इस डायरेक्शन बहुत वाहियात है। दोनों में से किसी में आपको डेप्थ सेंसर देखने को नहीं मिलता, और सॉफ्टवेयर के जरिए जो एज डिटेक्शन आपको देखने को मिलेगा वो दोनों का ही काफ़ी बेकार है। तो पोर्ट्रेट मोड तो दोनों का अच्छा नहीं कह सकते। फिर भी अगर पोर्ट्रेट मोड को हटा दें, एज डिटेक्शन की बात ना करें, नॉर्मल अगर फोटो की बात करें, तो स्किन टोन और कलर टोन की वजह से मुझे यहाँ मोटो G64 का फोटो ज़्यादा बेहतर लगा एज़ कम्पेयर टू मोटो G85। नाइट मोड की बात करें तो भाई यहाँ पर मोटो G85 पूरी तरह से G64 को बीट करता है। सेम लाइटिंग कंडीशन में आपको ब्राइटर फोटोज़ देखने को मिलते हैं, पिक्चर्स जो मिलते हैं वो काफ़ी शार्प भी नज़र आते हैं, और नॉइज़ भी आपको यहाँ पर कम देखने को मिलता है। रियर कैमरे में जैसे मैंने ऑटो मोड पर आपके ऊपर छोड़ा कि आप खुद डिसाइड करिए कि कौन सा फ़ोटो आपको ज़्यादा पसंद आता है, ऐसे ही फ्रंट कैमरे में भी आप खुद डिसाइड करिए कि आपको इनमें से किस डिवाइस की सेल्फी ज़्यादा पसंद आती है। अगर पर्सनली मेरा ओपिनियन लिया जाए तो मुझे मोटो G64 की सेल्फी ज़्यादातर कंडीशन में मोटो G85 से बेहतर लगी। पहला तो कलर टोन थोड़ी सी पंची लगी मोटो G64 की सेल्फी में। इसके अलावा ब्यूटी इफेक्ट की बात करें तो वो भी मोटो G64 का ज़्यादा बेहतर था एज़ कम्पेयर टू मोटो G85। लेकिन हो सकता है यहाँ पर आपको मोटो G85 की सेल्फी ज़्यादा बेहतर लगे। तो एक भी सेकंड बिना गवाए डायरेक्ट शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर जब तक दोनों डिवाइसेज रिबूट होते हैं, मैं आपको बता दूं कि मोटो G64 में आपको मिलता है डायमेंसिटी का 7025 प्रोसेसर, और वहीं मोटो G85 में आपको मिलता है स्नैपड्रैगन का 6S Gen 3 प्रोसेसर। और यहाँ पर G64 जल्दी रिस्टार्ट हो गया एज़ कम्पेयर टू मोटो G85। आगे दोनों ही डिवाइसेज की रियल टाइम गेमिंग परफॉर्मेंस टेस्ट, एंटूटू बेंचमार्क स्कोर्स, मल्टीटास्किंग परफॉर्मेंस, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं यहाँ पर एंटूटू बेंचमार्क स्कोर्स से। तो एंटूटू बेंचमार्क स्कोर्स की बात करें तो भाई टोटल यहाँ पर G64 का ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू G85। सबसे पहले बात करते हैं CPU स्कोर्स की, तो इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा स्कोर G64 का ज़्यादा है। आगे देखेंगे दोनों डिवाइसेज में प्रैक्टिकली दोनों डिवाइसेज कैसा परफॉर्म करते हैं। GPU स्कोर्स की बात करें तो वहाँ पर बहुत बड़ा डिफरेंस है, G64 का स्कोर बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू G85। लेकिन वो क्यों ज़्यादा है उसे मैं आगे वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। सबसे बड़ा यहाँ पर जो सरप्राइज है वो है मेमोरी स्कोर का, क्योंकि मेमोरी स्कोर में अगर डिवाइस की रीड एंड राइट स्पीड की बात करें तो वो G64 की लगभग डबल है G85 के कंपैरिजन में। अब यहाँ पर एंटूटू बेंचमार्क स्कोर्स की बात बहुत हुई, थोड़ा सा प्रैक्टिकली देखते हैं कि दोनों डिवाइसेस कैसा परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ कुछ एप्लीकेशंस मैंने दोनों डिवाइसेस पर रन करके देखे हैं, और यहाँ पर अभी तक तीनों के तीनों एप्लीकेशंस G85 पर जल्दी लोड हुए एज कम्पेयर टू G64। कैमरे का एप्लीकेशन G64 पर जल्दी लोड हुआ। आगे ये एप्लीकेशन दोनों डिवाइसेस पर सेम टाइम पर लोड होता है। गूगल प्ले स्टोर देखते हैं तो ये भी दोनों पर लगभग सेम ही टाइम पर लोड होता है। इसके अलावा कैलकुलेटर भी दोनों पर ही सेम टाइम पर लोड होता है। क्लॉक का ये एप्लीकेशन भी दोनों पर ही लगभग सेम टाइम पर लोड होता है। कैंडी क्रश ये एक छोटा सा गेम है, और इसे देखते हैं कि ये पहले किस पर लोड होता है। तो ये गेम भी G85 पर जल्दी लोड हुआ, जबकि G64 पर थोड़ा सा डिले देखने को मिला।
आगे इस गेम की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा सा हैवी गेम है कैंडी क्रश के कंपैरिजन में, और इसे देखते हैं ये पहले किस पर लोड होता है। क्विक रेस्पॉन्स टाइम G85 का बेहतर है और गेम भी G85 पर जल्दी लोड हुआ और G64 यहाँ भी पीछे रहा। एक ये गेम और देखते हैं, ये थोड़ा सा हैवी गेम है और ये देखते हैं कि ये पहले किस पर लोड होता है। तो ये गेम भी मोटो G85 पर जल्दी लोड हुआ जबकि G64 पर ये भी पीछे रहा। यानी कि प्रैक्टिकली डेली टास्क में मोटो G85 आपको ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस दे देगा एज़ कम्पेयर टू मोटो G64। तो गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो पहले बात करते हैं मोटो G85 के बारे में। तो पहले मैंने ये गेम मीडियम ग्राफिक सेटिंग्स पर मोटो G85 पर रन किया और काफ़ी स्मूथ परफॉर्मेंस देखने को मिली। और मेरे बिना कहे आप खुद भी जज करिए, मीडियम ग्राफिक सेटिंग्स पर जो आपका गेम प्ले रहेगा वो कुछ ऐसा रहेगा। काफ़ी स्मूथ परफॉर्मेंस यहाँ देखने को मिलती है, ग्राफिक्स काफ़ी क्लोज टू नेचुरल देखने को मिले या फिर कहें क्लोज टू रियलिस्टिक देखने को मिले, क्योंकि एडियो GPU की खासियत होती है कि काफ़ी अमेजिंग ग्राफिक्स आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। ऊपर से आपको एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है तो मीडियम ग्राफिक सेटिंग्स पर आपको कोई भी इशू देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जब ये गेम मैंने हाई ग्राफिक सेटिंग्स पर स्विच किया तो गेम प्ले आपकी आंखों के सामने है, बहुत ज़्यादा इशू देखने को मिलते हैं और कह सकते हैं कि मोटो G85 पर आप हाई ग्राफिक्स तक के गेम्स रन नहीं कर सकते और मीडियम ग्राफिक तक के गेम्स ही यहाँ रन हो पाएंगे। बात करें मोटो G64 के बारे में तो पहले बात करते हैं मोटो G64 की मीडियम ग्राफिक सेटिंग्स पर, जो कि आप गेम प्ले देख सकते हो। गेमिंग परफॉर्मेंस में यहाँ भी कोई इशू देखने को नहीं मिला, काफ़ी स्मूथ परफॉर्मेंस देखने को मिली। लेकिन अगर ग्राफिक्स की बात करें तो वो इतने ज़्यादा अमेजिंग या फिर कहें इतने ज़्यादा रियलिस्टिक देखने को नहीं मिले जितने मोटो G85 पर देखने को मिले। हालांकि परफॉर्मेंस में यहाँ कोई भी इशू देखने को नहीं मिलेगा और मीडियम ग्राफिक्स तक के गेम्स आप अपने मोटो G64 पर भी बड़े आराम से रन कर सकते हो। लेकिन बात करें हाई ग्राफिक सेटिंग्स की तो यहाँ भी कुछ सेम ही हाल देखने को मिला। मतलब आप यहाँ से देख सकते हो सेम इशू, लैग या फिर कहें फ्रेम ड्रॉप देखने को मिलता है और हाई ग्राफिक्स के गेम्स आप अपने मोटो G64 पर भी रन नहीं कर सकते। लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस दोनों के साथ रहा, परफॉर्मेंस के मामले में मोटो G64 मोटो G85 से बेहतर है, लेकिन अगर ग्राफिक्स की बात करें तो उस कंडीशन में मोटो G85 ज़्यादा बेहतर है। बैटरी की बात करें तो G64 में आपको मिलती है 6000 mAh की बैटरी और ये डिवाइस 30W की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। मोटो G85 में आपको मिलती है 5000 mAh की बैटरी और ये डिवाइस 33W की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। तो फाइनली यही है कि डिस्प्ले के अलावा भी और भी बहुत सारे डिफरेंसेस दोनों डिवाइसेस में देखने को मिलते हैं। कुछ जगह पर G64 भी बहुत बेहतर है, जैसे कि बेहतर बिल्ड क्वालिटी, अच्छी गेमिंग परफॉर्मेंस और कैमरे के डिपार्टमेंट में भी कुछ जगह पर G64 G85 को बीट करता है। हालांकि थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक बेटर लुकिंग डिवाइस चाहिए तो उस कंडीशन में G85 आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो फिर मिलेंगे ऐसे किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, आपका दिन शुभ हो।